बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा अपना भाई मिर्ता जवेद, तो तुसी मेरे स्टम यूट्यूब चैनल मेरे जवेद ट्रक ब्लॉग। उम्मीद करता तुसी सारे बड़ा ठीक हो। सो अलहमदुल्ला मैं भी ठीक हाँ। जिस तरह मैं तुम्हें अपनी पिछली वीडियो दसी थी कि गड्डी अलहमदुल्ला तैयार हो गई, काम शाम तो फारग हो गए सी, ते हुण असी आ खलोते हैं इस टाइम रात दे मंडी दे विच, मल्लू मोड़े मवेशी मंडी च। इतों हुण डंगर लोड करन आए हैं कराची दे, ते अजे तक तो खड़े हैं। व्यापारी हली फिरते पे है, खरीदारी कर रहे हैं, तो जिस टाइम अपने जानवर लैके फारग होंगे है उस टाइम फिर उन्होंने गड्डिया लोड करानी शुरू कर देनी है। अजे तक तो मार्केट भी कोई निकली कि किराया है तो की नहीं है, ये भी थोड़ी देर तक पता लगेगा। तो मैं कोशिश करना कि तुहानू मंडी का व्यू विखाने वास्ते, एक तो इतने रश बहुत है, तो दूसरा सर्दी रात की बहुत ज़्यादा शिद्दत बद गई सर्दी की। पर मैं इंशाल्लाह कोशिश करना तुहानू मंडी का व्यू खाने वास्ते। गड्डी इत्थे खलोती है काफ़ी सारे, एक हिस्सा भी नहीं बढ़ता जो है, रश ही बड़ा ते हर बंदे पई अपनी गड्डी लगती। इंशाल्लाह तो साड़ी भी हम दो घंटे तक लुटन शुरू हो, बाकी तुम इतों खा देना मसीब। गड्डी तो मैं अंदर बैठा वा, ऐ गड्डियां लग रही अगे। ये तो हुंडाइयां मज़दे, यानी कि टोटल गड्डी इत्थे ही होंदी। लोड कर लिया डंगर, डंगर लग के हटे, गड्डी साड़ी फस गई उत्थे धक्के ते। बड़ी मुश्किल दे नाल गड्डी तकरीबन दो तीन घंटे घुल घुल के पत्थे कटी कट के, तकरीबन हनेरा हो गया सब उत्थे। उस टाइम असीं टोल पए सी, गड्डी असीं तीन चार रखी गई इको व्यापारी दी, तोड़ो तोड़ फिर आए मोटर पे, तो प्रवेद जो चढ़े उस टोबे तो सानू उन्होंने लाता मुस्तार, उन्होंने आखा जी अगे धोद तो ज्यादा तुम इतने उतर गए। फिर उतो मुल्तान थले उतरे बावलपुर चौंक, फिर थलों आए सारे दो टिका उन्हें पुनो अकल पहुंचे घंटे को है, इतने माल खाली की खड़ी है गड्डिया गड्डिया। हम डंगर लाई खड़े है, इन्हों की हम चवाई करती है, कुछ दी कर ली कुछ दी रही है करके, तो फिर पानी शानी पिया के तो लोड कर। पुनू अकल शहर धक्का बनाया है, थोड़ी देर तक इंशाल्लाह फिर लोड कर लेंगे माल, लड़ा है बाकी हम मार्केट खुलती है तो हम थोड़ी देर तक रास्ता करने हैं। वैसे भी इतवार है,
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ नहीं देख ला पा रहे हेलो जी अलहमदुल्ला असी कराची राती पहुँच गए तकरीबन 2 बजे उस टाइम पर गड्डी खाली की गड्डी खाली करके हटे हैं तो फिर किराया कराया लिया तो किराया लैके बाहर खड़े करते सो गए थोड़ी देर हुई है उठे हैं हूँ अड्डे छड्डे वाले को पूछा वै अज तो सूरज भी पूरे जोश में चढ़िया है हवा चल रही हल्की हल्की गर्मी लग रही है तो मैं थोड़ा जी इस टाइम स्टील मिल तो थोड़ा जो है पंप है PSO का कठोर तो जोड़ा लैंक रोड आता है उस लैंक रोड के नुक्कर उत्ते पंप है PSO का उस पंप के उत्ते होटल उत्ते खलोते हैं ऑर्डर की इंतजार कर रहे हैं जिम्मे को ऑर्डर बोलता तो फिर इंशाल्लाह जी मेरे एक प्यारे दोस्त ने कमेंट्स किया उन्हें आखिया जी के नाल डीजल भी दस्या करो कि डीजल कितना पी रहे बिल्कुल जरूर दसने डीजल का जी कि चंग तो डंगर रोड किए असी मंडी चो कराची ने ते मेरा आके काजी अहमद पिया मोरो तो तकरीबन 40 किलोमीटर अगे है काजी अहमद उत्थे आके मेरा डीजल पिया 183 लीटर हजे इतने टेंकी फुल नहीं कराई हूँ इतों कोला लोड करेंगे कोला लोड करके फिर जब जाकर उत्तर काजी अहमद पक्का पंप है उतू तेल पाना पैंता सन उत्थे आके तेल पावे तो यदा किराया है सी जी 90,000 रुपया डंगर उदी कमीशन जाती है होर कोई खर्चा नहीं ਇਹਦਾ ਡੰਗਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਲਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਕਰਾਚੀ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾ ਵਧਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੇ ਕੇ ਬਸ ਭਜਾਈ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੀ ਉਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੇ ਪੁੰਨੂ ਅਕਲ ਸਾਹ ਕੱਢਣ ਦਾ नहीं तो बस समझ लो कि सब्जी वाला काम ही होता है डंगर वाला जरा इंशाल्लाह हूँ असं इतने खड़े कराची अल्लाह खैर रखे फिर होर जो को माल लगे वो इंशाल्लाह वीडियो शेयर करा हूँ तुम मैं इजाजत दो बस दुआ में याद रखना अल्लाह।